हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना नहीं, मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया और इधर ले लिया धनिया, एक हरी मिर्ची, टमाटर, थोड़ा सा मैंने जीरा भी ले लिया, मम्मी धुल के जीरा रखी हैं। और ये मेरा बर्तन स्टैंड है। तो इधर घी हो गया, अब इसमें डाल देंगे जीरा, मर्चा और आलू कटी हुई। तो आलू को मैंने बारीक बारीक एकदम काटा है। और इधर खलबट्टा से मैं कूट लूँगी मूँगफली दरदरी, क्योंकि खड़ी खड़ी मूँगफली नहीं अच्छी लगती, तो भूज के रखी थी, बस उसको कूटना था, तो कूट के इसमें डालेंगे। तो चाय हम सब लोग पी लिए और उसके बाद मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद गैस साफ की और मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो थोड़ा सा आलू को लाल कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे साबूदाना। तो साबूदाना को मैंने पहले भी भिगो के रख दिया था, सारा पानी निकाल लिया है। तो साबूदाना भी हो गया, थोड़ा पक गया है। और इसको चलाने के बाद फिर अब इसमें डाल देंगे दो बारीक टमाटर कटा हुआ, छोटे छोटे काट के डालेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और डाल देंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार। और इसको थोड़ा सा और चला लेंगे। साबूदाना आलू दोनों पक गया, अब इसमें वही कुटी हुई मूँगफली डालेंगे। मूँगफली डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया। और देख सकते हैं मुंह में मेरे तो पानी आ रहा है, बट मैं तो व्रत नहीं हूँ, मम्मी है। तो चलिए उनको दे देती हूँ प्लेट में निकाल के। देखिए पूरा घी सोख लिया, पानी सोख लिया और इसमें धनिया भी पड़ गई। चलिए इसको प्लेट में निकाल के मम्मी को दे देती हूँ और पूछती हूँ कि कैसे बना है। बिना लीड के लीड उठाए फेंके वाली है। अरे भैया नहीं जाई लीड। कपिल तो जीव ले ली, जीव ले ली। कैसे बना सही है, पसंद आ गया मुझे। इधर देखो ये सही है, ये कंडीशन सबसे जाओ तो यहाँ मैं तैयार होके आ गई हूँ बाहर। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो खिचड़ी खिला रही थी मम्मी को, बाहर कैसे आ गए तैयार होके। तो एक चचिया सास हमारी थोड़ा गांव के बाहर घर बनवाई हैं, तो देवरानी भी है, तो वही फ़ोन की थी कि सब लोग आओ आज घूम जाओ। काफ़ी दिन से बुला रही थी पर टाइम ही नहीं मिलता था, तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। चलिए आप सबको भी ले चलती हूँ घुमाने। चले लग का नेटवर्क का फोन कर उतरी होई ना ठंडा ज्यादा। अले कौन आया, दुबरा ही गया। बिट्टू ओ दिन आ गए, कितना खेला था। जो बच्चे को ली वो हमारी चचिया सास हैं और जो आसमानी साड़ी पहनी वो हमारी देवरानी है। और ये हम लोग की पलटन जो सब साथ में आई थी। यहाँ बिट्टू बिस्किट लोगी झरा हो रहा हूँ नहीं हम हाँ।
देखने भी यही है हमारे शुरू करो बाबा मरे से बैठक रहे हैं देख लिया करा के निर्भय जो बुढ़ा हुआ गोड़ा ही लिया करा तो यहाँ पर आ गई है आलू फ्राई और ठंडा समझ लीजिए नाश्ते पे नाश्ते आ रहा है। पहले पानी पीने के लिए नमकीन बिस्किट आया, फिर आया चिप्स और चाय, और इधर अब ठंडा और आलू। तो बहुत सारा आइटम आया और देवरानी बेचारी लगी है, जबकि बिटिया की थोड़ी तबीयत ख़राब है, देखे थे रो रही थी। पर सारा इंतज़ाम चाची पहले ही कर दी थी ताकि हम लोग पहुँचे तो बस हम लोग को खाना रहे। और यहाँ पर देखिए चाचा के बगल जो है ये घर है चाची का, और ये पूरी हरियाली है, ये जोंधरी लगाई गई है, इसको शहर में मकाई बोलते हैं, तो मैंने थोड़ा इसको भी शूट कर लिया। मतलब मैं यहाँ पर शूट करने लगी तो ये लोग सब मुझे छोड़ के भाग गए। देखिए सब लोग आगे आगे चले गए और मैं शूट ही कर रही थी। चलिए मैं भी इन लोगों के साथ चलती हूँ, और आप सब बने रहिए ब्लॉग को, खूब सारा एंजॉय करिए। पेट एकदम फुल हो गया है। दुईठी आवती है हमाओ निकल ले। तो हस्बैंड जी चले गए बाजार सब्जी वगैरह लाने, तो हम और नंदरानी दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं। वीडियो दूर से कम आवता है, खूब भरा चल, सिंगल बेचारा, ना कोई आगे ना कोई पीछे दिख रहा है। वो लगा है तब सभी एक एक ऐसे हाथ बड़ा बड़ा और सारे लड़के जानते हैं बगिया में जाएंगे। इसी इंदिरा कितनी सुंदर आती है। शाम हो गए, कितना सुंदर लग रहा है ना। बड़ा सन्नाटा रहा था, अब क्यों निकला नहीं क्या? पहले निकल खटिया रहा है सब, अब सब इसमें इसे सबके इन्वर्टर भी ना सब, अब बाहर वो नज़ारा नहीं रहेगा कि छत पे आओ। लोग पैदल पैदल जा रहे हैं ना कोई पीछे ना कोई आगे, दो लोग नंद और भौजाई बस मस्ती करते हुए, बच्चे छोड़ के भाग गए। इतना घना है ना बगिया, बहुत घनी है, बहुत बड़ी बगिया जा रही है। इतनी बगिया आप तैयार करब आसान नहीं ना। के कया है दी कया, इनका देखाव जरूरी है। आज तो सारा दिन वहीं बीत गया चाची के यहाँ, शाम भी हो गए। बहुत गर्मी है फ्रेंड, कहाँ हो चाहे शहर, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो घूम के आ गई मैं, चलिए ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, क्योंकि रात हो गई है। मैं पसीना ही नहीं सूख रहा।